तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आई एम मॉम टू बी, कैसी लग रही है ड्रेस कमेंट करके बताओ। सोच में ऐसे और ऑर्डर कर लूं। सो जब आप होते हो मॉम टू बी, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, और सबसे ज्यादा डर, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट रहती है कि डिलीवरी रूम के अंदर क्या क्या होता है। सो स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बन रहे हो, फर्स्ट टाइम डिलीवरी देने वाले हो, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, आपके घर में आप और हस्बैंड के अलावा कोई नहीं है, थोड़ा डर लगता है, क्यूरियोसिटी रहती है क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत भर भर के मेरे अंदर थी। सो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात की जाए और नोट्स बनाए जाए। तो मैंने बहुत लंबी मीटिंग उनके साथ रखी, उनका अपॉइंटमेंट लिया और बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए। उन्होंने जो जो मेन मेन चीजें मुझे बताई जो डिलीवरी रूम के अंदर होती है, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम डिलीवरी होने वाली है। सो उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बताई है, जो जानने के बाद मुझे हेल्प मिली, क्योंकि उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ तुमने पूछा, अगर लड़कियों को पता नहीं होता है कि डिलीवरी रूम में क्या होने वाला है तो बहुत नर्वस और डरी हुई रहती है, इजी नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता हो कि अभी क्या क्या होने वाला है तो आप काम, रिलैक्स रहते हो और डॉक्टर के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर पाते हो, डिलीवरी का प्रोसेस और आसान हो जाता है। सो अब तक तो सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर करती आई हूँ, पर इस बार अपने सारे नोट्स बनाए हैं गायनेकोलॉजिस्ट ने, मुझे जो जो चीजें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। जितनी भी लड़कियां माँ बन चुकी हैं, बनने वाली हैं, या लड़की हो, कभी ना कभी तो माँ बनोगे ना, तो फिर पहले से जान लो, अच्छा रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं जाननी चाहिए। ऑफ कोर्स बीइंग अ गर्ल यू शुड नो कि हम डिलीवरी जब देते हैं तो हमारे साथ उस टाइम क्या क्या हो रहा होता है। माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए अच्छा है, मेंटली इमोशनली आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता हो तो। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, बात करते हैं डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ मैं आपको NYBA कंसीलर्स का, इन केस वैलेंटाइंस डे आ रहा है और भी बहुत सारे फेस्टिव सीजन, वेडिंग भी सीजन चल रहा है, सो आप मेकअप चाहते हो तो ये वाला ट्राई कर सकते हो कंसीलर। सो ये मैंने अपने एकदम स्किन टोन वाला लिया है, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या थोड़ी सी पिगमेंटेशन है तो एकदम स्किन टोन वाला कंसीलर लेके लगाते हो, या स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क भी लेकर के लगाते हो ना अपनी स्किन के ऊपर, या फिर ऑरेंज कलर करेक्टर के ऊपर लगाते हो, तो काफ़ी अच्छे से ये आपके इवन स्किन के जो स्पॉट्स होते हैं उसको कवर कर देता है। इसके ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाते हो तो मेकअप का बेस बहुत फ्लॉलेस आता है, और मेकअप लगाने के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हो। NYBA ने लॉन्च किया है दो डिफरेंट टाइप के ब्यूटी ब्लेंडर्स, मतलब टाइप इन द सेंस के कलर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और ये बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज का काम करता है, पानी के अंदर डिप करके आपको यूज़ करना होता है, तो जब इसको पानी के अंदर डिप करोगे तो ये अपनी साइज़ से दो गुना ज़्यादा फूल जाता है, और काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है, और इससे फाउंडेशन लगाने का एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है। सो इन सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। प्लस आई हार्ट ब्यूटी सेल स्टार्ट हो गया है, अप टू 50% ऑफ आपको मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटी मेकअप प्रोडक्ट्स में। सो ये सेल 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक रहेगा, सो आप अपने कार्ट में डाल लो आपके फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के। सो इस अमेजिंग ऑफर को चेकआउट करने के लिए चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड शॉप। अच्छा सुनो, आगे बढ़ने से पहले ना, मेरी एक चैनल है जहाँ मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स की वीडियोस डालती हूँ रिलेटेड टू मेकअप, DIY, फैशन, तो उसको सब्सक्राइब करना, रेखा शर्मा नाम है, चैनल का नाम पिन कमेंट में दे रखा है। और अगर आपको मेरी पर्सनल प्रेगनेंसी व्लॉग्स, लाइफ जर्नी, लाइफस्टाइल जर्नी देखनी है तो मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा व्लॉग चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, तब आप मेरी डिलीवरी भी देख पाओगे, बर्थ व्लॉग एंड एवरीथिंग आई गोना शेयर विद यू ऑल, सारी जर्नी आप शुरू से देख ही रहे हो। और करीब से जाने के लिए वहां पर भी मुझे विजिट करना, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिलीवरी रूम में क्या होता है। रूम में जाने से पहले रूम के बाहर आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए, तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया कि सबसे पहले तो अपना बैग तैयार करके रखना पहले से ही, जो आपकी ड्यू डेट होती है उसके एक आध हफ्ते पहले से ही आप अपना बैग बना के रेडी रखो। और वैसे भी जो ड्यू डेट होता है ना, सेम उसी डे आपकी डिलीवरी हो जरूरी नहीं, एक हफ्ता आगे, एक हफ्ता पीछे, या दो हफ्ते आगे पीछे भी हो सकता है। सो मेंटली इस बात को लेकर के प्रिपेयर रहना। एक और चीज, सब लोग बोलते हैं वॉक करो वॉक करो, वॉक करने से नॉर्मल डिलीवरी होगी। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, वो सोचती हैं कि अरे मेरा तो पहला सी सेक्शन हुआ था, दूसरा भी सी सेक्शन होगा, मुझे वॉक करने की क्या जरूरत है, या फिर मुझे नॉर्मल कराना ही नहीं है, मुझे सी सेक्शन ही कराना है, तो मुझे वॉक करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं होता है, वॉक करने की जरूरत नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा इस बात के लिए भी है कि आपकी डिलीवरी के बाद से आपकी बॉडी रिकवर कर पाए। आप चाहते हो कि डिलीवरी हो जाए और बेड रेस्ट पे ही पड़े रहो, अगर नहीं चाहते आपकी बॉडी फटाक से रिकवर कर ले, इसलिए भी वॉक करना जरूरी होता है। सो 30 मिनट से 1 घंटा तक वॉक करना चाहिए, ये
डॉक्टर से पूछ लेना आपके डॉक्टर कितना रिकमेंड करती है आपको। नाउ जब आपकी ड्यू डेट पास आ गई है, आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, और अगर ऐसा पेन होता है जो आपको बर्दाश्त ही नहीं होता है, आप बहुत ज्यादा पेन में होते हो और थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद वो पेन आपको होता रहता है, तो समझ जाओ कि ये रियल वाला लेबर पेन है। फॉल्स लेबर पेन भी होता है, रियल लेबर पेन भी होता है, तो उनमें डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। सो जैसे आप हॉस्पिटल पहुंचते हो, सारा आपका पेपर वर्क चेक किया जाता है, आपने सोनोग्राफी कराई है, आपकी प्रेगनेंसी क्या हाई रिस्क में थी या किस टाइप की थी, सारे इंजेक्शन प्रॉपरली आपने लिए हैं नहीं लिए हैं वो सब चेक करेंगे। उसके बाद आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे पल्स, बीपी, एब्डोमिनल चेकअप, मतलब पेट का एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। इंटरनल एग्जामिनेशन मतलब वजाइना को चेक किया जाता है विद फिंगर्स, मींस आपका इंटरनल चेकअप होता है जिसे पीवी भी कहते हैं। सो वो वजाइना को चेक करते हैं कहीं ये फॉल्स लेबर पेन तो नहीं है, रियल वाला है, तो पूरा प्रॉपर अच्छे से डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे। आपके सारे जब चेकअप कंप्लीट हो जाते हैं तब डॉक्टर नर्स को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि वो आपके प्यूबिक हेयर को रिमूव कर दे। डिलीवरी के टाइम प्यूबिक हेयर ना हो तो ही सही रहता है, तो वो रिमूव कर दिया जाता है, और इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उनका काम है, वो हमेशा करते हैं। हो सकता है कुछ लड़कियों को सुनकर के शर्म आए या फिर अजीब सा ऑकवर्ड सा लगे, लेकिन एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड नेचुरल, ये सबके साथ होता है। जितनी भी डिलीवरीज होती है उनमें ये चीज होती ही होती है। एंड कभी कभी जब डॉक्टर को लगता है कि आपके इमोशंस सही नहीं है तो आपको अनिमा लगाया जाता है। अनिमा के बारे में कितने लोगों को पता है कमेंट करके बताओ। तो सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगता है और अनकंफर्टेबल, लेकिन ये नॉर्मल है, बिल्कुल भी डरना और झिझकना नहीं, ये करना जरूरी होता है कभी कभी। हर बार हर किसी को नहीं लगा जाता है, बट जब डॉक्टर को लगे तो वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो बच्चेदानी है उसके आगे तो पेशाब की थैली होती है और पीछे मल की थैली होती है। जब आप बच्चे को पुश करते हो तो कभी कभी कुछ विमेन का पॉटी, सुसु वगैरह निकल जाता है वहीं पर ही जहां आपका लेबर चल रहा होता है। ये हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर भी आप डरो मत। लेकिन ये सिचुएशन ना आए इसके लिए डॉक्टर पहले से ही तैयारी करते हैं, वो आपको अनिमा देते हैं। अनिमा में क्या होता है कि एक तरीके का फ्लूइड होता है, वो आपके एनस में डाल दिया जाता है, 4 इंच अंदर डालते हैं, लंबी सी पाइप सी होती है, और ये 4 इंच पाइप आपके एनस में पीछे डालते हैं। ये प्रोसेस करने की वजह से जो आपका मल होता है वो पूरा बाहर निकल आ जाता है, जिसकी वजह से मतलब जब आप बच्चे को पुश कर रहे होते हो तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पॉटी करनी या पॉटी निकल जाए, वो ना हो, आपको पूरा रेक्टम खाली होना चाहिए। हो सकता है कुछ लड़कियां सुन करके ऑकवर्ड फील करे और डर जाए, लेकिन बिल्कुल भी मत डरना। इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ ताकि मेंटली प्रिपेयर रहो। ऑन द स्पॉट ये सारी चीजें होंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो जरूरी नहीं आपके साथ हो, वो आपकी डॉक्टर ही डिसाइड करेगी, बट हाँ ये प्रोसेस होता है कईयों के साथ, और ये अच्छा है हो जाए ताकि जब बच्चा डिलीवर हो तो फिर आपकी पॉटी गलती से उसी टाइम ना निकल जाए, क्योंकि फिर इससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ अब जैसे जैसे आपका लेबर प्रोग्रेस करता है, डॉक्टर फीटल हार्ट बीट मॉनिटर के माध्यम से चेक करते रहते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट कैसी है, ज्यादा है, कम है, सही चल रही है, बच्चा अंदर कंफर्टेबल है, बच्चा स्ट्रेस में ना चला जाए, या बच्चा कैसा है, उसकी हालत चेक करते रहते हैं डॉक्टर। एंड डॉक्टर्स बीच बीच में अपने फिंगर को वजाइना में इंसर्ट करके वो चेक करते रहते हैं कि कितना डायलेट हुआ है, लेबर प्रोग्रेस सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इस बीच कभी भी डॉक्टर को लगता है कि बेबी अंदर सेफ नहीं है या उसको कोई दिक्कत हो रही है, तब वो सी सेक्शन का डिसीजन लेते हैं। बाकी अगर बच्चे ने हेड डाउन पोजिशन पे है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो वो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद बच्चे और माँ को चेक करते रहते हैं कि लेबर किस प्रोग्रेस में चल रहा है। डॉक्टर इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू चेक करते हैं कि लेबर ठीक से प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं खुल रहा, बच्चे का सर नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चे को कहीं फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस होने पे बच्चा पेट के अंदर भी पॉटी कर सकता है, और जो कि सही नहीं है। प्लस ये भी चेक करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह किस हद तक डायलेट हो रहा है, और जब लगता है कि अच्छे से डायलेट हो गया है 10 सेंटीमीटर तक, तब आपको डिलीवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। डिलीवरी रूम में फीटल हार्ट बीट चेक किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है पुश करने के लिए। जब भी आपको डॉक्टर गाइड करती है पुश करो, तो आप उनकी गाइडेंस के हिसाब से पुश करना होता है। उसमें ब्रीदिंग टेक्निक भी होती है ताकि आपको पेन कम हो। और डिलीवरी रूम में कभी भी डॉक्टर को लगता है कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, सही पोजीशन नहीं हो रही है, तो वो कभी भी सी सेक्शन का डिसीजन कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए ले सकते हैं। वैसे डिलीवरी रूम में ना फॉरेन में अगर आप देखोगे तो हस्बैंड्स भी अंदर होते हैं, और वो हाथ पकड़ के आपको मोटिवेट करते हैं पुश करने के लिए, आपको मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सपोर्ट मिलता है, कितना अच्छा लगता है ना। बट इंडिया में कई जगह पे अलाउ करते हैं और कई जगह पे नहीं करते, लेकिन WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से पत्नी के साथ पति अंदर लेबर रूम में जा सकता है, उसको मोटिवेट करने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए, जिसे बर्थ पार्टनर भी कहते हैं। अगर आप चाहो तो आप अपनी डॉक्टर से एक बार पहले ही कंसल्ट कर लो, पूछ लो कि क्या आपके पार्टनर डिलीवरी रूम में आपके साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। होपफुली आपको अलाउ कर दे तो आपके लिए वो वाला टाइम जो टफ होता है ना, तो पेन भरा होता है, अगर हस्बैंड साथ रहे तो काफी इजी, आसान सा हो जाता है। सो पुश के दौरान जब डॉक्टर को लगता है कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल चुका है, बच्चे का सर भी थोड़ा नजर आने लग जाता है, और जब डॉक्टर को महसूस होता है कि आपको चीर
चीरा लगाने की जरूरत है, तो वो थोड़ा सा आपके वजाना के पास चीरा भी लगा सकते हैं ताकि स्पेस थोड़ा और बच्चे को मिल जाए बाहर आने के लिए। उस टाइम आपको चीरे का पेन बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर आपको अच्छे से लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, चीरे का पेन उस टाइम नहीं होगा। बाकी आप पुश करोगे, बच्चा जब बाहर आता है तो सबसे पहले बेबी का सर बाहर आएगा, फिर एक शोल्डर, फिर दूसरा शोल्डर, फिर पूरा बॉडी पार्ट बाहर आ जाता है और उसके बाद नाड़ काट दी जाती है बच्चे की। कई जगह पे हस्बैंड को भी ये मौका देते हैं कि वो बच्चे की नाड़ काटे, हर जगह नहीं है, इंडिया में का तो अभी देखो आप बात करो, बाकी फॉरेन में तो ऐसा होता है। तो उसके बाद बच्चे को आपको दिखाया जाता है एंड देन बच्चे को नर्स लेके थोड़ा क्लीन कर देती हैं। और बच्चे का ना पैदा होते ही रोना बहुत जरूरी है क्योंकि जब बच्चा पहली बार रोता है तो पहली बार वो सांस लेता है, तो रोने के साथ वो सांस लेता है, इसीलिए हमेशा बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि वो रोए, थोड़ा सा उसको थपथपाते भी हैं कि वो रोए। उसके बाद डॉक्टर उसकी नोज, माउथ, ईयर सब क्लीन कर देते हैं ताकि कुछ भी अंदर इन्फेक्शन ना हो, गंदगी ना जाए, और उसको बच्चे को अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है। फिर बच्चे को आपको हैंडओवर कर देते हैं और वो जो गोल्डन मोमेंट होता है, पूरी जिंदगी की खुशी बस उस एक पल में ही छुपी रहती है पूरी। आप ये वाला एक्सपीरियंस कभी किसी और चीज से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग, मेरे को जब ये एक्सपीरियंस होगा तो पता नहीं कैसा लगेगा, बहुत इमोशनल फील होता है, बहुत मिक्स्ड फीलिंग होती है, आपको रोना भी आता है, आपको खुशी भी होती है, आप कंटेंट फील करते हो, आप इमोशनल होते हो, बयां ही नहीं कर सकता कोई वो फीलिंग। और ऐसे में आपका पार्टनर आपके साथ हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद जो चीरा लगाया होता है वजाना के पास, डॉक्टर वहां पे टाका लगा देते हैं। एंड हाँ, इस बीच आपका प्लेसेंटा भी निकाल दिया जाता है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। सो गाइस, ये सारी चीजें होती हैं डिलीवरी रूम के अंदर। हो सकता है इसके बारे में आपको पहले से ना पता हो, अब पता चल गया होगा तो आप बहुत इन्फॉर्मेटिव फील कर रहे होंगे कि इतनी सारी नॉलेज आपको मिल गई। तो ऐसी नॉलेज अपने तक ना रखो, जितनी भी लड़कियां मां बनने वाली हैं, मां बन चुकी हैं उनको तो पता ही होगा, पर हर लड़की को जरूर शेयर करो यार, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका जानना, मुझे लगता है हर लड़की का जानना बहुत जरूरी है। कभी ना कभी तो आप बनोगे ही ना, तो आप देखो कि आप क्या चमत्कार कर सकते हो यार, हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक हम एक नई जिंदगी दुनिया में लेकर के आते हैं, इतना दर्द सहने के बाद हम कितने ज्यादा काबिल हैं, और भगवान ने हमें कितना सोच समझ करके बनाया है ना, कि हमारी बॉडी जानती है बच्चा कैसे बनाना है, डिलीवरी कैसे करनी है, और मेन लोग बेचारे वो कर नहीं पाते। बींग अ वुमन वी शुड फील प्राउड कि हम एक बेबी को, एक बच्चे को, एक जिंदगी को दुनिया में ला पाते हैं। और अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी व्लॉग जानना है, बिकॉज एज यू नो मैं इस ड्रेस को ऐसे करके कैरी करना चाहती थी, बट ठीक है, आई जस्ट लव टू रीड दिस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार रिमाइंड करा देता है, कभी कभी भूल जाते हैं ना हम लोग, तो ये देख के मुझे बार बार याद आ रहा है। यस, आई एम मॉम टू बी। सो आपको और कुछ जानना है गर्ल्स टॉक रिलेटेड टू ब्यूटी, मेकअप, फैशन और प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगी। दैट्स इट फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय व्लॉग चैनल। मेरी पर्सनल लाइफस्टाइल व्लॉगिंग देखनी है, प्रेगनेंसी के अपडेट देखने हैं तो यही सही मौका है। ये मिस किया तो बहुत कुछ मिस किया, क्योंकि वहां में अपना रियल जो मेरी सोनोग्राफी हो रही है, चेकअप हो रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाइयां जो मुझे मिल रही हैं, जो भी प्रेगनेंसी के अपडेट्स हैं, मैं सारा वहां पे आपके साथ शेयर कर रही हूं। आई एम रियली एक्साइटेड। दैट्स इट फॉर टुडे, मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।